Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Glory to the name of the precious Lord. Hmm. ग्लोरी टू द नेम ऑफ द फ्लैशस फ्रैशस लोड हाल वो है सब कुछ तौल वो है सब कुछ तौलने वाला बंद दरवाजे खोलने वाला वो खुदा खुदा रहम वो खुदा खुद रहम जा मेरी नजात से खुश है जहा मेरी नजात से खुश है मेरे सर को उसने बुलंद किया अब कौन यह तेरे सिवा मेरी खूब खुदा में मगन है मेरी रू खुदा में मगन है जा मेरी नजात से खुश है जा मेरी नजात से खुश है मेरे सर को उसने बुलंद किया अब कौन मेरा है तेरे सिवा मेरी रूह खुदा में मगन मेरी रू खुदा में मगन मेरी रू खुदा में रहा मेरी नजात से खुश है यहाँ मेरी नजात से खुश है मेरे सर को उसने बुलंद किया है कौन यहाँ अब तेरे सिवा मेरी रूप खुदा में मगन है मेरी रूप खुदा में मले हालेलुया थैंक यू जीजस खुदा से मांग वो देगा उसका वादा है वो देगा उसके वादे पे एतबार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो, प्यार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार वही है रह, वही हक वही तो जीवन

Hallelujah. Hmm. hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you Jesus Thank you Jesus Bless your holy name Lord Bless your holy name Thank you Lord Hmm हालेलुया आज की सुबह में आपसे परमेश्वर के वचन में से कुछ बहुत अद्भुत बातें करने जा रहा हूँ हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस ऑफ नैज आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द होते हैं बताइए मुझे कितने लोगों को ये विश्वास है कि एंजल्स ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज अराउंड यू देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल्स different dimensions of the angels I would say correctly. Hallelujah. Hallelujah. And uh, they are sent for a different purpose. और uh, बहुत सारे मसीह लोगों को ये uh, भेद नहीं मालूम How they have to walk in alignment with the angels. If you learn the secrets from the Word of God about angels, you can really maximize your life upon the earth. And your life could be really, really much more effective if you learn to understand the angelic being. Who they are, how they function, what attracts them and what repels them, it will be a great, great thing. Hallelujah. Hmm. Hallelujah. Thank you, Jesus. बाइबल कहती है इकली में जिसे हम सबोपदेशक कहते हैं इक्ली चैप्टर फाइव वर्स एंड टू सबोपदेशक पाँच की एक और दो कीप दई फुट वन दाओ गोएस टू हाउस ऑफ गॉड एंड बी मोर रेडी टू हेयर देन टू गिव सेक्रीफाइस ऑफ फूल्स फॉर दे कंसिडर नॉट वट दे डू इज ईवल बी नाट रैश विद दाई माउथ एंड लेट Not thine heart, be hasty to utter any thing before God. For God is in heaven and thou upon the earth, therefore let your words be few. Uh, Solomon is giving us a piece of advice how we have to honor the presence of God. In the second verse, God is in heaven and you are upon the earth. you have to honor the lord um it is ecclesiastes yes urdu mein ulta hoga chapter 5 verse 1 and 2 perfect to so, uh hmm मैं इसका एक और वचन आपके लिए पढ़ देता हूँ इसका सिक्स्थ वचन पढ़ लें इक्जिया फाइव वर्स नंबर सिक्स सुने सफर नॉट दाई माउथ टू कॉज दाई फ्लैश टू सेन, नीदर से दाओ बिफोर द एंजल दैट इट वॉज एन एरर। वेअर फॉर गॉड वेयर फॉर शुड गॉड बी एंग्री एट एट दाई वॉयस एंड डिस्ट्रॉय द वर्स ऑफ दाइन हैंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने जो एंजल्स भेजे आपकी लाइफ में आप चाहो तो बहुत सारे एंजल्स को अट्रैक्ट कर सकते हो बाइबल में लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड एंड कैम्स अराउंड द राइचर्स कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है जो कि करेक्ट है द एंजल ऑफ द लॉर्ड एंड कैंस अराउंड हु फियर द लॉर्ड परमेश्वर के दूत उन लोगों के इर्द गिर्द छावनी बांधते हैं जो यहोवा से डरते हैं किनके संग एंजल्स होते हैं यहोवा के जो यहोवा के डरवैये हैं, छावनी बांधता है और हिब्रू वर्ड है खनाव जिसका मतलब है कंटोनमेंट आपने कंटोनमेंट देखी कंटोनमेंट में बहुत सी बटालियंस होती हैं कंटोनमेंट में दो चार पांच दस सौ एक हजार फौजी नहीं होते थाउजेंड अपॉन थाउजेंड होते हैं दिब्रू वर्ड इज कनाउ द एंजल ऑफ द लोर्ड दिस इज वन माइटी एंजल एंड दिल बिल्ड ए कंटोनमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ एंजल्स अराउंड वन सिंगल पर्सन हु फियर्स द लोर्ड हुईसनेस हु वॉक्स इन प्योरिटी जो लोग यहोवा से डरते हैं उन्हें एंजल्स एंटरटेन करने आते हैं जो यहोवा से डरते हैं वो राइचसनेस में चलते हैं होलीनेस में चलते हैं प्योरिटी में चलते हैं ह्यूमिलिटी में चलते हैं और उन्हें यहोवा अपने सीक्रेट देता है अपने भेद यहोवा एरगेंट से प्राउड से जो यहोवा की हजूरी का सम्मान नहीं करते उन्हें उनके संग कभी भी यहोवा अपने भेद शेयर नहीं करता और उन्हें एंजल्स को एंटरटेन करना नहीं आता ले है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्वर्गदूत आपके जीवन को देखते हैं दे आर ऑल अराउंड यू दे वॉच ओवर योर लाइफ एंड द अ रिकॉर्ड ऑफ योर लाइफ एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम अब यू नो दर् चर्च बिलीव वर एंजल्स ऑफ हीलिंग when a believer fell sick and he cried unto the lord for healing for physical health wellness the lord dispatched the angels they came and they unleashed the healing that was purchased by the stripes of jesus christ they believed that they were angels who were protecting people angels who were guarding people and they were angels who were waging war against the forces of darkness

यहाँ पे इंग्लिश की बाइबल में क्या किया है व्हेन दी एनिमी शेल कम इन लाइक फ्लड फिर कॉमा डाला है तो बहुत सी ट्रांसलेशन ये दिखा रही है कि शत्रु फ्लड है दुश्मन जो आपके खिलाफ आएगा वो फ्लड की तरह आएगा महानद की ना ही आएगा लेकिन ओरिजिनल हिब्रू में ऐसा नहीं है ओरिजिनल हिब्रू में लिखा वेन दी एनिमी शेल कम इन जब शत्रु तुम्हारे विरुद्ध आएगा लाइक फ्लड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शेल लिफ्ट अप हिस्स स्टैंडर्ड एक फ्लड की तरह होली स्पिरिट अपने स्टैंडर्ड को रैप अपने सेप्टर को खड़ा करेगा हाले तो जो ओरिजिनल हिब्रू है वो बताती है कि फ्लड डेवल नहीं है द रियल फ्लड इज द होली स्पिरिट हाली द दाल होस्ट विल कम लाइक द फ्लड टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी हालेलुया थर्टी फोर वर्स नंबर सेवन बताती है कि एंजल कंटोनमेंट लगाते हैं हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे धर्मी लोग होते हैं जो परमेश्वर के सन्मुख पवित्र जीवन जीते हैं उनके गिर्द हजारों लाखों एंजल्स होते हैं हाले लोहिया तो आपको डिवाइन सीक्रेट परमेश्वर के कलाम के मैं डिवाइन वर्ल्ड को भी ज्यादा पसंद नहीं करता बिकॉज इट्स अ लैटिन वर्ल्ड एंड इसकी रूट्स जो है वो पेगन खैर है मैं एक वचन देता हूं पढ़िए एक्सडस ट्वेंटी थ्री वर्सेस फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एक्सलस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री निर्गमन तेईस अध्याय बीस से तेईस वचन सुने ध्यान से निर्गमन कूच की पुस्तक जिसे पंजाबी में कहते हैं एक तो मुझे पंजाबी में भी बताना पड़ता अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी हारे लु लुअ पढ़े लिख दीजिए वचन को एक्सरेस एंड लेट मी रीड इट फॉर यू लुक व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग भी आई सेंड एन एंजल बिफोर दी टू कीप दी इन द वे एंड टू ब्रिंग दी इनटू द प्लेस व्हिच आई हैव हैड बीवेयर ऑफ हिम एंड ओबे हिज वॉइस पर हिम नॉट फॉर ही विल नॉट पार्ट योर ट्रांसलेशन For my name is in him. But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemy, and an adversary unto thine adversary. Twenty-third verse. For mine angel shall go before thee, and bring thee into the, unto the Amorite, the Hittite, the Perizzite, the Canaanite, the Hivite, the Chebusite. And I will cut them off. Hallelujah. There is an angel that God mentions. The angel that has the name of the Lord invoked. I believe this is theophany. I believe that this is pre incarnate Christ. Hmm? And the Lord is saying, you have to listen to that angel, you have to do what that angel says. You don't offend the angel, don't speak against the angel. That angel will not pardon your iniquity. But if you hearken unto the angel that I send before you, which is theophany, which is the manifestation of the Lord Jesus Christ, and the Lord, look what the Lord is saying. The Lord is saying in verse 23 I bring thee into, into, where?

सात जातियां जिन्हें ये ने मार डाला डिट्रॉनमी चैप्टर सेवन वर्स नंबर वन पढ़ लीजिएगा परमेश्वर उनके नाम देता है ये हैं, ये फॉलन एंजल का सीड है दे आर नॉट अ प्योर ह्यूमन ब्लड लाइन दे आर जायंट्स गिबरीन हैं ये और ये जातियां बड़ी शक्तिशाली हैं। परमेश्वर ने जो वायदे की धरती दी है इसराइलियों को उसके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है और इनसे कब्जा इसराइल अपनी ताकत से छुड़ा नहीं सकता तो परमेश्वर कह रहा है डायरेक्ट इनके बीच में कौन लेकर आ रहा है तुम्हें द एंजल ऑफ माय प्रेजेंस आपको मालूम इफ दे वॉइस ऑफ द लोर्ड इफ दे ओबेड द लोर्ड दे हैव कॉन्कड देयर एनिमी इन जस्ट फोर्टी डेज लेकिन उन्होंने बहुत अपराध किए जिसकी वजह से वो अपने शत्रुओं के ऊपर विजयी हो नहीं पाए हाली यह है एंजल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड हाली लुया पढ़िए वचन एक्सडस थर्टी थ्री और चौदह वचन निर्गमन तेतीस अध्याय का चौदह वचन निर्गमन तेतीस का चौदह एंड ही सेड माय प्रेजेंस शैल गो विद दी एंड आई विल गिव दी द रेस्ट मेरी उपस्थिति तेरे संग जाएगी और मैं तुझे आराम दूंगा हरेली तो इजराइल ने क्या क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूं सुने ध्यान से सबसे पहले रेफरेंसेस लिखते जाइए बाद में आप स्टडी कीजिएगा नंबर्स गिनती की पुस्तक चौदह अध्याय एक से तीन वचन दे कंप्लेन्ड दे मर्मर्ड उन्होंने शिकायतें की वो कुड़कुड़ाए और वो बुड़बुड़ाए गिनती चौदह गिनती ग्यारह एक से तीन फिर कलाम में क्या लिखा है वो परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए उस स्वर्गीय मन्ना के विषय में किसके विषय में स्वर्ग से बरसते हुए मन्ना के विषय में जो डेली परमेश्वर इजराइल के ऊपर बरसाता था स्वर्गीय मन्ना इज़राइल पे बरसता था हरे और क्या लिखा है साम 78 वर्स नंबर 25, फाइव साम 78 वर्स नंबर 25 में क्या लिखा है मैन डिड ईट एंजल्स फूड ही सेंट दम मीट टू फिल टू फुल मैन एट द फूड मन्ना किनका खाना था हेवन में किसका खाना था ये मैना आपको मालूम मन्ना का मतलब क्या होता है जब इसराइली लोग आए तो पर्ल्स की तरह जैसे पर्ल्स होते हैं मोती होते हैं ऐसी छोटी छोटी बॉल्स जमीन पे गिरी हुई थी जैसे जैसे आ, क्या कहते हैं आपके सेवन सीज कॉड लिवर ऑयल होता है जैसे फिश ऑयल की गोलियां होती छोटी चुट छोटी ऐसी जेली पर्ल्स जमीन पर गिरी हुई थी और ये एंजल्स का फूड ये सुपीरियर फूड है हेवन इज अ सुपीरियर रूलिंग क्लास अर्थ इज रूल्ड बाय हेवन एवरीथिंग इन हेवन इज एब माइंड ब्लोइंग पृथ्वी से फार मोर सुपीरियर है स्वर्ग में सब कुछ हाल ही सेवरल higher life हायर लाइफ है स्वर्ग में तो जबूर अठहत्तर के पच्चीस वचन में लिखा यह स्वर्ग दूतों का खाना था एंजल्स जिस फूड को खाते हैं जितने न्यूट्रीएंट चाहिए आपकी बॉडी को जितने वाइटमिन चाहिए जितने मिनरल चाहिए जितने कोएंजाइम चाहिए जितने फाइटो न्यूट्रियट चाहिए जितना कैलशियम जितना प्रोटीन जितना काव चाहिए आपको जितनी मेटल्स चाहिए सब पूरी रेशो में यहोवा ने मन्ना में डाले थे जब वो गिरी पृथ्वी भर गई डेजर्ट भर गया और ये शायद चद्दर बिछा शा देते थे और सुबह चद्दर को इकट्ठा करते थे और प्रभु ने इसराइल को एक लॉ सिखाया ग्रीड एंटी ग्रीड लॉ समझ रहे हैं आप प्रभु ने कहा अगर तुम कम इकट्ठा करोगे तो वो सुपर नेचुरली भर भर जाएगा तुम्हें कम नहीं पड़ेगा लेकिन अगर तुम ज्यादा इकट्ठा करोगे लालच के कारण तो वचन में लिखा उसमें कीड़े पड़ जाते थे प्रभु चाहता था इज़राइल प्रतिदिन प्रभु पे भरोसा करे हमारी आज की रोटी हमें दे ये भाई और बहनों जीवन शैली है अगर इस तरह का जीवन हम जिएंगे ना हमारी आज की रोटी हमें दे तो आप बिंदास जीवन जियोगे आपके शरीर में जो बीमारियां है है हैं ना बहुत सी बीमारियां चली जाएंगी क्योंकि बहुत से रोग और बीमारियां इंसान के अंदर है काव्चियसनेस की वजह से कुलिसियों तीन के पांच में लिखा है काव्चियसनेस लोभ मूर्ति पूजा है कल के लिए लोभ बहुत ज्यादा इकट्ठा करना बहुत ज्यादा बैंकों के अंदर जोड़ जोड़ के संभाल के रखना बहुत सारी मटेरियल चीजों को इकट्ठा करने की इंसान के अंदर जो होड है ये लोभ को जन्म देती है और ये इस चीज को दिखाती है कि मनुष्य का परमेश्वर पर भरोसा नहीं है तो प्रभु ने अपनी प्रार्थना में यह जबरदस्त बात हमें सिखाना चाहिए हमारी आज की रोटी हमें आज दे आज की रोटी कल सुबह के पराठों का ब्रेकफास्ट मैं खुद ही देख लूंगा डोंट वरी मेपल सिरफ और पैन केक मैं खुद अरेंज कर दूंगा डोंट वरी हाल लू डोंट वरी फॉर टूमोरो तो इज़राइल जो ज़्यादा इकट्ठा करता था उसके मन्ने में कीड़े पड़ जाते थे अब समझ रहे हैं आप कौन सी चीज में कीड़ा पड़ा है हुँ? प्रभु कहते हैं पृथ्वी पे अपना धन मत जोड़ो क्योंकि उसे कीड़ा लगता है लेकिन एक जगह जोड़ सकते हो वो है स्वर्ग जो हम प्रभु के राज्य में जो बोते हैं जोड़ते हैं उसको कभी कीड़ा नहीं लगता अरे मैं भाई और बहनों आज से तीस साल पहले कट्टर हिंदू था उन्नीस साल का था प्रभु यहोवा को नहीं जानता था प्रभु यहोवा मेरे जीवन में आया हशैम यहुआ यहूषा हमश्या मेरा स्वामी यीशु मसीह मेरे जीवन में आया उसने मुझे नया जन्म दिया पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में अपना स्थान ग्रहण किया मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ मैंने अपना जीवन प्रभु के राज्य में बो दिया अपनी जॉब छोड़ी अपना घर छोड़ा और मैं पाँच छः सात साल शुरू के साइकिलों पे घूमता रहा रहने के लिए जगह नहीं थी खाने के लिए भोजन नहीं होता था मेरे पास दो जोड़ी कपड़े होते थे और मेरे जूते घिस गए थे साइकिल चला चला के चौकों पे सड़कों पे जगह जगह यीशु मसीह का प्रचार करता था मेगाफोन लगा के रोज़ मैंने निर्णय लिया था कि 500 नए लोगों को वचन बांटूंगा और मैंने सेवन इयर्स ऐसा किया स्कूलों में जाता था फैक्ट्री में जाता था ट्रेन्स के अंदर घुस जाता था पर्ची बांटता था बसेस के अंदर शॉप्स में जाता था लोग कई बार बहस करते थे उन्हें भी मसीह का वचन प्रेजेंट करता था मंदिरों में गया हूं गुरुद्वारों में गया हूँ दूर दराज इलाकों में इधर कहाँ गंगोत्री जिमनोत्री सब इलाकों में क्या दूर दराज प्रभु की गवाही देने के लिए प्रभु के राज्य में मैंने बो दिया अपना जीवन मैं नहीं कहता मैं चतुर था ये सब प्रभु की कृपा से हो गया मुझ में बल नहीं था ना ही मुझ में ऐसा अच्छा दिल था प्रभु को देने के लिए ना ही इतनी कुर्बानी वाला व्यक्ति था मैं लेकिन सब प्रभु की आत्मा के द्वारा अनुग्रह से हो गया प्रभु के और देखिए तीस वर्ष हो गए मुझे मेरे एक बोए जीवन ने लाखों लोगों को प्रभु प्रभु में लाया अपने आप में कई हजार लोग प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा सेवक बना दिए हैं जो अन्य अन्य जातियों के हैं कई हजार लोग हजारों हजारों गुना हजारों लोगों को मैंने खुद बैप्टिज्म दिया हाली लुहिया कई हजार सेवकों को खड़ा किया तो परमेश्वर आपके जीवन से आपके जीवन को अपने हाथ में ले सकता है यदि आप अपना जीवन बोए प्रभु के लिए हाल तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने मन्ने के विषय में भी कंप्लेन की जबकि मन्ना एक होलसम फूड है दे कंप्लेन एंड मर्मर्ड अगेंस्ट द लोड अबाउट मैना नंबर्स गिनती ग्यारह का चार से नौ वचन पढ़ लें <laughs> फिर उन्होंने मरमर किया बहस करने लगे कंप्लेन किया अबाउट मोज वाइफ कि मूसा ने इथियोपियन औरत से कैसे शादी कर ली है गिनती की पुस्तक बारह अध्याय के एक से तीन वचन में डेस्टिनी चेंज होगी इसराइल की प्रभु क्रोध में आ गया क्योंकि उन्होंने प्रभु की सामर्थ्य पे भरोसा नहीं किया उन्होंने वो देखा जो उनकी आंखों ने दिखाया फिर उन्होंने मरमर किया कंप्लेन किया गिनती सोलह अध्याय एक से 27 वचन पढ़ लेंगे कि मोसेस तो बहुत पावरफुल है वो लीडर नहीं होना चाहिए हम भी लीडर हैं मोजस के विरुद्ध में खड़े हो गए प्रभु ने क्या कहा था प्रभु ने कहा था मैंने आपको पढ़ के बताया अगर आप पढ़ेंगे गिनती सॉरी गिनती ने एक्सडस निर्गमन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू प्रभु कहता मैं तुम्हारे दुश्मनों के संग दुश्मन ठहरूंगा और अगर आप पढ़ेंगे ट्वेंटी थ्री का सेवन एक्सोडस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन प्रभु कहता है मैं अपना डर भेजूंगा तुम्हारे आगे भय भेजूंगा और प्रभु क्या कहता है अठाईस वचन में एंड सेंड हॉर्नेट बिफोर यू एक्सोडस ट्वेंटी थ्री सुन लीजिए मैं वचन पढ़ देता हूं एक्सोडस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू पढ़ता हूं पहले कहता प्रभु बट इफ यू शैल इन डीड ओबे वॉयस एंड डू ऑल दैट आई स्पीक देन आई विल बी एन एनिमी टू धाइन एनमी एंड एडवर्सरी एन टू धाइन एडवर्स एडवर्सरी तेरे वैरियों के विरुद्ध में मैं वैरी बन के खड़ा हो जाऊंगा प्रभु कहते हैं हाल ही और प्रभु क्या कहते हैं इसका ट्वेंटी सेवन वर्ड्स पढ़िए ट्वेंटी सेवन आई विल सेंड माई फीयर बिफोर दी अपना डर भेजूंगा एंड विल डिस्ट्रॉय ऑल द पीपल टू होम दैल्ड कम एंड आई विलिमीज टर्न दर बैक देखिए कितना जबरदस्त कबल था जितने लोगों ने कनाल की लैंड को कब्जा किया मैं उन्हें मारूंगा ये होगा कहता है मैं उनको उनका दुश्मन बन के उनका सत्यानाश कर दूंगा उन सभी वो सब <coughs> मिंगल्ड ब्लड लाइन है प्रभु कहता है, मैं उन्हें मारूंगा और उसका ट्वेंटी एट वचन प्रभु क्या कहते आई विल सेंड हॉर्नेट बिफोर यू विच शैल ड्राइव आउट द हाई वाइट दाइट एंड टाइट बिफोर दी हॉर्नेट हिंदी में क्या लिखा है मलकियत गिल जी ये वचन डालिए एक्सोडस कूच की किताब निर्गमन तेईस का 28 प्रिंट कीजिए हिंदी में प्रभु कहता मैं ये काम करूंगा लेकिन उन्होंने उस एंजल को ओफेंड किया मेड द एंजल मैड लू अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ में जो एंजल्स काम कर रहे हैं वो हेवन को खोलते हैं आपके ऊपर वो हेवन की अलाइनमेंट में आपकी लाइफ लाते हैं एंजल्स मैंने अपने जीवन में हजारों बार एंजल्स देखे हैं मैंने देखा कि बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूं मैं बहुत तेज जैसे सटेनिक कोई चीज़ ना अब मुझे इंस्पायर कर रही है मैं मज़े ले रहा हूं बहुत तेज गाड़ी चला अचानक एंजल ऑफ द लॉर्ड मेरी गाड़ी में आता है और जैसे ना मैं हल्की हल्की एक्सीटर से पाँव हटा के ब्रेक लगाने लगता हूँ और प्रभु का आत्मा मुझे कहता है गो वेरी स्लो और एकदम कार के अंदर मुझे पता लग जाता है सीक्रेड प्रेजेंस आ गई गाड़ी में और मैं प्रभु की स्तुति करने लगता हूँ और मैं समझ जाता हूँ वॉरफेयर तभी मैं क्यों तो हुआ जैसे मैं थोड़ा आगे गया एक किलोमीटर से भी आई सॉ ए कार कार फ्लाए की फ्लाए रोड में से फ्लाई की कार और रोड के पास बहुत गहरा खड्डा था जिसके अंदर पूरी की पूरी कार उल्टी पड़ी हुई थी <coughs> काफी डीप जाके तो प्रभु ने मुझे बता दिया यहाँ पे एक एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन था सड़कों पे ऐसे एंजल्स होते हैं सटेनिक एंजल बदरुए जो लोगों का एक्सीडेंट करवाती है आई हैव सीन विद माई ओन आईज ऐसी डमोनिक स्पिरिट्स को देखा है जो लोगों का एक्सीडेंट करवाती है विच क्राफ्ट होता है सोर्सरी होती है डार्क डीमंस होते हैं ब्लड सकिंग वेम्पायर होते हैं जो ब्लड सक करते हैं तो भाई और बहनों जब यह आपकी आंख खोलेगा तभी आपको आत्मा की दुनिया दिखाई देगी जब तक आपको आत्मा की दुनिया नहीं दिखाई देती तब तक आप इन आत्मिक चीजों की परख नहीं कर पाओगे और मूर्खता से बिहेव करोगे आप लेकिन जब यह आपकी आंखें खोलेगा मैं आई हैव सीन डीम स्टैंडिंग ऑन द रोड एट नाइट आई गो अप हिल्स इन हिमालयन रेंजेस आई हैव सीन विद माय ओन आईज हाली तो प्रभु यह आपकी रक्षा करेगा यहां पे क्या लिखा है उन्होंने यहोवा के एंजल्स को ओफेंड किया इज़राइल ने। तो आपको जो एंजल्स भेजे हैं यहोवा ने आपकी लाइफ में आप उन्हें ओफेंड कैसे करते हो अब मैं आपको बताना चाहता हूं पांच अद्भुत बातें आपको बताऊंगा जिससे एंजल आपकी लाइफ को छोड़ के चले जाते हैं परमेश्वर कम से कम एक एंजल जरूर देता है लेकिन जो यहोवा के दरवइये हैं साम थर्टी वहाँ तो कंटोनमेंट तो होती है एंजल्स की हैवी कंटोनमेंट डिफेंस एंजल्स अलग होते हैं प्रोटेक्शन और डिफेंस के प्रोविजन एंजल्स अलग होते हैं हीलिंग एंजल्स अलग होते हैं एंजल्स ऑफ वर्शिप अलग होते हैं एंजल्स दैट ब्रिंग मैसेज फ्रॉम हेवन वो अलग होते हैं ये गहरी बातें हैं जिन्हें आप जानोगे यदि आप प्रभु में गहरे उतरोगे तो सबसे पहली चीज जो एंजल को ऑफेंड करती है वो है आपके शब्द आपके मुंह से निकलने वाले शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू स्पीक एंड हाउ यू स्पीक बहुत से मसीह लोगों का अपने मुंह पे कोई नियंत्रण नहीं होता <coughs> वो पहले बोलते हैं और फिर सोचते हैं वो पछताते पश्टा, हैं जरूर पछताते हैं लेकिन तब जब चिड़िया खेत चुग चुकी होती है हम्म, तो ने एक वचन जबूर एक सौ तीन की बीस आयत जबूर एक सौ तीन की बीस आयत बड़ी है क्या लिखा है यहां लिखा है ब्लेस द लॉर्ड ई हिज एंजल्स दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ दैट डू हिज कमेन्नमेंट हर्कनिंग अन टू द वॉइस ऑफ हिज वर्ल्ड एंजल्स क्या करते हैं सुने यहाँ पे सामिस कह रहा है ब्लेस द लॉर्ड ही इज एंजल्स यहोवा की स्तुति करो भजन लिखने वाला अद्भुत परमेश्वर का इबादत करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है राजा दाऊद राजा दाऊद को एंजल्स के भेद पता है राजा दाऊद एंजल्स को एड्रेस कर रहा है एंजल्स को कह रहा है ब्लेस द लॉर्ड ई हिज एंजल्स दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ राजा दाऊद को पता है कि एंजल्स के पास बहुत ज्यादा पावर है Excuse me. That excellent power, कि एंजल्स बहुत शक्तिशाली हैं। तो राजा दाऊद ने क्या कह रहा है ब्लेस द लोर्ड राजा दाऊद को एक भेद पता है एंजल्स को एक्टिवेट करने का वो एंजल्स को कह रहा है एंजल्स यहोवा के शक्तिशाली एंजल्स दूतों आओ मिलके हम ये होगा की स्तुति करें हरे लुइया यू कैन इन वोक रिडीम्ड मिलके पर करें स्वर्गदूत और उद्धार पाए हुए <coughs> आओ हम मिलके ये होगा की आराधना करें और ये एंजल क्या करते हैं क्या लिखता है दैट डू हिज कमेंडमेंट स्वर्गदूत केवल और केवल यहोवा की आज्ञा मानते हैं हर्कनिंग अन टू द वॉइस ऑफ हिस वर्ल्ड एक तो यहोवा की आवाज सुनते हैं यहोवा की कमेंटमेंट सुनते हैं दूसरा क्या लिखा है हर्कनिंग अन टू द वॉइस ऑफ हिस वर्ल्ड बहुत गहरा भेद है इस आयत के अंदर शाम 103 के 20 वचन में बहुत ही गहरा भेद है अगर आप समझ जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा सुने पहली बात एक तो राजा दाऊद एंजल्स के संग मिलकर बरस्तिश करता है एंजल्स को इनिशिएट करता है एंजल्स जो शक्तिशाली हैं अर्थात एक्सेल पावर और एक हायर डायमेंशन की आराधना एंजल्स इनिशिएट करते हैं हायर डिमेंशन की मनुष्यों की आराधना से हायर डायमेंशन की परस्तिष इबादत वर्शिप भजन स्तुति गान एंजल करते हैं <coughs> तो राजा दाऊद उन्हें इनिशिएट करता है कि उनके संग मिलकर राजा दाऊद यह होगा कि स्तुति करे कहता है दैट डू हिज कमेंडमेंट एंजल केवल यहोवा की आवाज़ सुनते हैं लेकिन दूसरा भेद क्या है हरकनिंग अनु द वॉइस ऑफ हिज वर्ड लेकिन जब आप यहोवा के कलाम को अपने दिल में ले लेते हो और यहोवा का कलाम आपके मुंह पे आता है और आप यहोवा के कलाम को बोलने लगते हो जब आप सिर्फ यहोवा के कलाम को बोलते हो प्रार्थना आराधना में तो एंजल अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि एंजलों के कान सिर्फ यहोवा की आवाज को सुनते हैं यहोवा बोलता है तो उसकी आवाज सुनते हैं यहोवा की आवाज को हम अपने मुंह से रिलीज करते हैं तो भी एंजल सुनते हैं क्योंकि उनको एक जैसा लगता है सुन रहे हो मेरी बात भेद क्या है एंजल केवल यह होवा सृष्टि का स्वामी उसकी आवाज को सुन के उसका हुक्म पूरा करते हैं लेकिन जब हम वही कलाम को अपने मुंह से बोलना शुरू करते हैं तो एंजल उसी तरह काम करते हैं जैसे यहोवा होवा के मुंह से निकले कलाम को सुन के करते हैं समझ रहे आप मेरी बात आपके मुंह में यह होवा का कलाम होना चाहिए <क्षण> आपके मुंह में केवल थियोलॉजी नहीं होनी चाहिए यहोवा का कलाम लेकिन आपके मुंह में यहोवा का कलाम हिपोक्रेसी की तरह नहीं होना चाहिए फरीसियों के मुंह में भी सदुकियों के मुंह में भी यहोवा का कलाम था पुरोहितों याजकों के जीवन में भी यहोवा का कलाम था वो अपने माथे के ऊपर डिब्बी रखते थे जिसमें कलाम लिख के रखा होता था छोटी छोटी चिट बना के कलाम की रखते थे जिसे टिफलिन और फाइलेटरीज कहा गया है अपनी राइट हैंड के ऊपर कलाम को बांध के रखते थे तवीज कलाम के बांध के रखते थे लेकिन प्रभु क्या कहता है उन्हें प्रभु कहता है मरकु सात अध्याय के छह वचन से कि यह व्यर्थ में मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं मुंह में तो प्रभु है हुँ? क्योंकि इनका दिल मेरे से कोसों दूर है तो आपके दिल के अंदर कलाम कूट कूट के भरा होना चाहिए आपके दिल में यह होगा कि पवित्र हजूरी भरी होनी चाहिए आपका दिल यीशु मसीह के लहू के द्वारा तब्दील हुआ होना चाहिए तब आपके दिल में से कलाम निकल के बाहर आएगा कई लोगों ने ना ये देखिए आपका सर है ना ये ऊपर यहां यहां पे कलाम रखा होता है यहां से जो कलाम निकलता है वो एंजल्स को अट्रैक्ट नहीं करता वो केवल मेंटली सेंटर्ड क्रिश्चियनिटी है लेकिन व प्रभु क्या कहते हैं प्रभु कहते हैं आउट ऑफ द अबंडस ऑफ हार्ट माउथ स्पीके दिल की भरपूरी में से मुंह बोलता है जब दिल भरपूर हो जाता है हुँ? तो दिल की भरपूरी से मुंह यहोवा के कलाम को बोलता है हम्म तो अंदर से निकलना चाहिए कलाम थियोलॉजी काम नहीं करेगी आपकी जो थियोलॉजी लिए घूमते हो ना आप थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान, ज्ञाना सा ज्ञान ये नहीं काम करेगा एंजल्स डिसर्न करते हैं हाल तो भाई और बहनों एंजल्स जब आपके अंदर से कलाम निकलेगा तो स्वर्गदूत वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे वो तब करते हैं जब यहोवा अपना कलाम बोलता है <coughs> हाल कुछ और वचन पढ़ें पहला से एक का इक्कीस जल्दी <coughs> से प्रिंट कीजिए पहला पत्र से एक अध्याय का इक्कीस वचन सुनिए ध्यान से फर्स्ट पीटर वन ट्वेंटी वन <coughs>

पे क्या लिखा है फॉर इफ द वर्ड स्पोकन बाय एंजल वाज स्टेड फास्ट एंड एवरी ट्रांसग्रेशन एंड डिसीव द जस्ट रेकम्पेंस ऑफ द रिवॉर्ड दूतों के द्वारा बोला गया कलाम कितना शक्तिशाली था कितना प्रबल था तो आपके मुंह में आपके दिल में कलाम चाहिए हरे दूसरी चीज एंजल्स को क्या ऑफेंड करती है जब आपके मुंह में कलाम नहीं होता ना तो इंजल आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होते एक विश्वासी अपने मुंह से गालियां बकता है, गंदे बुरे बोल बोलता है अन्य जाति की तरह वार्तालाप करता है कोई भी स्वर्गदूत उसके इर्द गिर्द अट्रैक्ट नहीं होगा दूसरी चीज जिससे हम एंजल्स को ऑफेंड करते हैं वो है हमारा अनबिलीफ अनबिलीफ अविश्वास एंजल्स को बहुत क्रोध में ले आता है अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं लूका रची सुसमाचार पहला अध्याय आठ से बीस वचन मार्क कर लीजिए लूका एक अध्याय आठ से बीस यहां पे एक व्यक्ति है वो याजक है और उस व्यक्ति के विषय विषय में लिखा राइचस मैन वो धर्मी व्यक्ति है उसका नाम है जकराया जकार जकार या जिसके नाम का मतलब है यहोवा याद करता है द लॉर्ड रिमेंबर्स लेकिन ये जो व्यक्ति है इसका नाम जब यह पैदा हुआ इसके मां बाप ने रखा जकार याह। अर्थात ये होवा तुझे याद करेगा लेकिन इस व्यक्ति के मन में शायद कई बार ख्याल आया कि यहोवा ने मुझे याद नहीं किया आपको मालूम क्यों क्योंकि ये व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है लेकिन इसके घर औलाद नहीं है जकर जकार या जकार का मतलब होता है टू रिमेंबर हिब्रू में या यहोवा याद करेगा लेकिन फिर भी यह धर्मी व्यक्ति है यहोवा से प्यार करने वाला व्यक्ति है और पवित्र स्थान में यहोवा के सर्मुख धूप दुखा रहा है ऑल्टर ऑफ गोल्डन इंसेंस पे तो वहां पे एंजल आ जाता है गेब्रियल और एंजल इसे कहता है यहोवा तुझसे प्रसन्न है देख यहोवा तुझे बरकत देने जा रहा है यहोवा ने तुझे याद किया है तेरा नाम है जकार या अब तुझे यह याद करता है और देख तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा तो उसका नाम रखना जॉन योहनान यहुन्ना तो आपको मालूम क्या होता है इस बंदे के दिल में इस बंदे के दिल में आ जाता है अनबिलीव अविश्वास तो दूत क्या करता है गेब्रियल उसी समय दूध इसे बोलता है अब से तू गूंगा हो जाएगा अब तेरे मुंह का कोई मतलब नहीं है मैं तेरा मुंह और तेरी आवाज को बंद करता हूं अगर एंजल एंजल को यह था कि अगर वो जकर की आवाज बंद नहीं करेगा तो जकर अपनी बीवी से जाके अनबिलीव की बातें बोलेगा और परमेश्वर का पर्पस जो है उसको हिंडर करेगा यह की आमद का तो परमेश्वर ने उसका मुंह उसकी आवाज तो बंद की लेकिन उसके अंदर का सोता खोल दिया जिस सोते से उसके घर में बच्चा पैदा हो खाली और उसके घर में जब बेटा पैदा हुआ तब उसका नाम रखा जाने लगा तब यह ने उसका मुंह खोला अनबिलीफ अविश्वास एंजल्स को गुस्से में ले आता है तीसरी चीज कौन सी चीज है जो एंजल को क्रोध दिलाती है थर्ड चीज सुने ध्यान से ये बातें ध्यान से अपने दिल पे लिखिए जो मैं सिखा रहा हूं आपको ये आपको मिलेंगी नहीं सुन रहे हो आप यू वुड नॉट गेट दम सुने ध्यान से तीसरी चीज जो एंजल्स को गुस्सा दिलाती है वो है युन्ना रची सुसमाचार पांच अध्याय एक से नौ वचन यहां पे ये पढ़िएगा आपकी हुन्ना पांच अध्याय एक का नौ लेकिन सुनिए ध्यान से एक बथेस्ता का पूल है तालाब है जिसके पांच ओसारे हैं फाइव पोर्चेस वो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री को दिखाते हैं और वो जो पानी का कुंड है वो जीसस को दिखाता है पांच ओसारे फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री और पांचों के पांचों असारों में क्या पड़ा है लूले लंगड़े बीमार रोगी पड़े हैं जकड़े हुए लोग पड़े हैं क्योंकि एक एंजल आता है भाई और बहनों वो साल में एक बार आता है और पानी को हिलाता है पानी में वर्लपूल पैदा होते हैं एक बंदा जो सबसे पहले पानी में गिरता है वो चंगा हो जाता है यहां पे 38 साल से एक इंसान पड़ा हुआ है कितने साल से 38 एट ईयर्स से वो कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचे वहां पे कोई और अपने रोगी को डाल देता है और वो चंगा हो जाता है अड़तीस साल से इस बंदे ने अड़तीस मिरकल देखे हैं अड़तीस दूसरे लोगों को चंगे होते देखा लेकिन ये खुद चंगा नहीं हो पाया शायद ये व्यक्ति रेंग रेंग के जाता होगा रेंग रेंग के टांगे नहीं चलती हाथ नहीं चलते लेकिन इस व्यक्ति को पता है कौन सी ऋतु में कौन से महीने में तारों की चांद की पोजीशन क्या होती है कैसी हवा चलती है जब एंजल आता है पूरा तजर्बा तो हो गया इसको अड़तीस साल इज लॉन्ग टाइम तो प्रभु वहां जाते हैं प्रभु आत्मा में देख लेते हैं इस इंसान को प्रभु इससे सवाल बड़ा जीव करते हैं डू यू वॉन्ट टू गेट वेल क्या तू चंगा होना चाहता है मैं समझ रहा हूं बहुत रूड क्वेश्चन था <coughs> लेकिन वजह है यीशु ने क्यों पूछा तो ये व्यक्ति अपनी सैड स्टोरी शुरू कर देता है यीशु मसीह की सैड स्टोरी नहीं सुनना चाहते आपको मालूम बहुत सारे लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं प्रभु को पिट्टी पार्टी करते हैं यीशु मसीह पिट्टी पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है जीसस इज इंटरेस्टेड इन सोल्यूशन

हालेलुया और अपना फोकस यीशु मसीह पे करना है समस्याओं पे नहीं आपका जीवन आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी बहुत रैपिडली तो प्रभु इस व्यक्ति से क्या कहते हैं प्रभु कहते है, उठ सब कुछ अपना बेडिंग इकट्ठी कर, कर और चल यहां से वो बंदा उसी समय उठता है अपनी बेडिंग इकट्ठी करता और निकल लेता है वहां से फिर अगर आप पढ़ेंगे ना ये फिफ्थ चैप्टर जॉन की गॉस्पल तो बाद में ये व्यक्ति यीशु मसीह को मिलता है टेंपल में हैकल में हारिलुआईया पहले तो यीशु मसीह हारिलुया इसकी शारीरिक इसे शारीरिक चंगाई देते हैं बाद में यीशु मसीह से अंदरूनी चंगाई देते हैं आपको मालूम जो यीशु मसीह से चंगा करते हैं इस बंदे को पढ़िए चौदह वचन इसका मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए ये होना पांच अध्याय का चौदह वचन ध्यान से पढ़ें इसे हम्म युन्ना पांच का चौदाह देखिए प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पे हरे लुहय हरे लुहय य पांच का चौदाह <coughs> हिंदी में प्लीज लिख दीजिएगा ऐसे आफ्टर वर्ड जीजस फाइंड इथ हेम इन द टेम्पल जब यीशु इस व्यक्ति को चंगा करता है कुछ इसके जीवन में बदलता है ये यहोवा होगा कि हैकल में चला जाता है धन्यवाद करने के लिए यीशु मसीह हैकल में जब इसे मिलता है यीशु मसीह कहता है सेड एन टू हेम मेड होल प्रभु कहते हैं देख तू चंगा हो गया सिन नो मोर अब पाप मत करना लेस्ट ए वर्स थिंग कम अपॉन दी ये व्यक्ति बीमारी से जकड़ा हुआ पता क्यों था भयंकर बीमारी से पाप की वजह से कुछ ऐसे गंदे पाप इसने किए जिसकी वजह से यह लानत आई इसके ऊपर पापों की वजह से एंड जीसस फाइंड्स दिस मैन इन द टेंपल this man in genesis 5 who had been there for the 38 years he saw <clears throat> that this was not a legend that this was genuine this was a genuine phenomena each year at that certain particular time an angel came and the angel touched the waters and caused the whirlpool and whosoever jumped in was healed in an instant Regardless of what kind of sickness he had, this man, maybe he was invalid, legs didn't work, his hands didn't work, and this man had been there for 38 years. Every year he saw a staggering miracle, but every time he couldn't get healed because he couldn't make it <clears throat> to the water this man knew fully well having been there 38 years he had an experience he saw 38 outrageous miracles there he saw 38 people getting healed 38 years is a long time he knew precisely the season what sort of wind blows the position of the moon the year the month and everything he calculated he knew this is the time when the angel will come and he will start marching towards the pool. But every year, before this man could throw himself in somehow or the other, somebody picked up his sick person, a person bound by the demons, and threw in the water and got healed. Every year, this man would muster his hope, and every year on that day, his hope will be dashed to little pieces. <clears throat> but this man was there because he had no other option. 38 years. There are so many people in the church like him. They've been in the church for so many years. So many years. But something was absolutely terrible with this man. Jesus sees him, he puts. Across a very strange question Do you want to get well? Jesus was saying, as if getting healed was always in the authority of this man, as if getting well was always within the reach of this man. But this man has a very sad pity part, very sad story of pity. And he tries to have a pity party with Jesus. I have no one. Every year somebody throws their, you know, sick person and my hope is broken every year he starts up with that kind of sad story jesus doesn't your pity party you know so many people are so much caught up they are so much caught up with the problem they are so much deep into problem consciousness and they talk the problem they pray the problem maybe you need to remove your focus you need to look at jesus not your problem you don't, you know, many people pray the problem, they don't pray the solution. Pray the solution. Solution is a person, his name is Jesus of Nazareth. Pray him, speak him, speak his word. And your situation, your scenario will begin to change. Your sickness, your disease, whatever problem that you are caught up in will begin to change if you begin to speak the word of the Lord. <laughs> you know, Jesus finds this man in the temple. This man. When he received a miracle healing from the Lord, something happened in his heart. He went in the temple to thank the Lord, express his gratitude, and Jesus finds him there. And you know what Jesus says? Jesus says, Look, you've been made whole. Do not sin anymore, lest a worse thing come upon thee. Jesus is giving us insight into this man's life why this kind of terrible sickness came upon this man because of sin and why wouldn't the angel heal this man sin is repulsive to the angels of the lord angels are not drawn to sin and iniquity angels are not drawn to transgression and trespasses they disdain sin it repels the angelic host पाप और बदकारी फरिश्तों को अपनी ओर नहीं खींचती है सुने ध्यान से उन लोगों को फरिश्ते छोड़ जाते हैं जो पाप और बदकारी में जिंदगी जीते हैं जिनका हार्ट अंदर से करप्ट होता है बाहर से मुंह से कुछ बोलते हैं अंदर हार्ट के अंदर कुछ होता है समझ रहे मेरी बात आप बहुत सारे मसीहों की यह प्रॉब्लम है अपने हार्ट के अंदर छिपा के रखते हैं करप्शन बाहर से द दलो ब्रदर क्या वचन आप देती हो फलाना ढिमका लेकिन अंदर मैलस होती है दिल के तो प्रभु आपको तोलता है आपके दिल को जांचता है उसके एंजल आपके पास नहीं आते जब ऐसा जीवन होता है आपका हालांकि आपके दिल के अंदर एंजल नहीं देख पाते केवल यहोवा देख पाता है लेकिन आपके दिल के अंदर क्या है वो आपके बाहर प्रकट होता है हुँ? 38 इयर्स शायद एंजल ने इसे पसंद